नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुशांत सिंह राजपूत केस की मिस्ट्री लगातार उलझती जा रही है। अब मामला पैसों और गर्लफ्रेंड रिया के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसे लेकर ईडी ने अपनी छानबीन तेज कर दी है। रिया से ईडी की पूछताछ लगातार 7 घंटे से जारी है। ईडी के अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं। रिया की प्रॉपर्टी खर्चों को लेकर पूछताछ हो रही है। इस बीच रिया ने ईडी को पिछले 4 साल की कमाई का हिसाब दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर चल रही है पूछताछ। रिया ने 4 साल की ऑडिट रिपोर्ट ईडी को सौंपी। आखिर क्या है सुशांत के 15 करोड़ रुपए का सच? क्या रिया के परिवार की नजर सुशांत के पैसों पर थी? क्या रिया सुशांत की फर्म में पैसों को लेकर गड़बड़ी हुई? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब की तलाश ईडी ने तेज कर दी है। सुशांत मामले में दाखिल मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेकर आज एक के बाद एक मामले से जुड़े लोग ईडी के दफ्तर पहुंचे। रिया चक्रवर्ती अपने पिता और भाई के साथ करीब 12 बजे ईडी के दफ्तर पहुंची, जहां एक लंबी पूछताछ का दौर जारी है। सूत्रों की माने तो रिया की प्रॉपर्टी और कैश के लेन देन के जवाब ईडी तलाश रही है। आईटीआर से पता चला है कि रिया की पिछले 3 साल की सालाना इनकम 10 से 14 लाख के बीच थी। मुंबई के खार में एक फ्लैट रिया के नाम है, जिसकी कीमत करीब 85 लाख बताई जा रही है। फ्लैट के 25 लाख रुपए दिए जा चुके हैं, वहीं 60 लाख का लोन है। वहीं दूसरी प्रॉपर्टी रिया के पिता के नाम है, जिसकी कीमत करीब 60 लाख बताई जा रही है, जो कि 2012 में ली गई थी। इस वक्त हम उसी प्रोजेक्ट में मौजूद है। अब आपको बता दें यहाँ पर कि ये देखिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर इस पूरे बिल्डिंग का काम चल रहा है। फिलहाल साइट पर तो हम डायरेक्टली जा नहीं सकते क्योंकि काफी ज्यादा रिस्की है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है जहां पर रिया चक्रवर्ती ने इन्वेस्टमेंट किया था। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की गई। रिया का भाई शौविक सुशांत की 2 फर्म में डायरेक्टर था। वहीं सुशांत के अकाउंट के कई ट्रांजैक्शन शौविक के नाम किए गए, जिसमें फ्लाइट्स के टिकट और होटल की बुकिंग शामिल है। ईडी दफ्तर से निकलने के बाद शौविक मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। इसके अलावा सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को भी ईडी ने दफ्तर बुलाया था। बताया जाता है कि श्रुति रिया की करीबी थी और रिया के कहने पर श्रुति को सुशांत का मैनेजर बनाया गया था, लेकिन बाद में श्रुति की जगह दीक्षा सालियान ने सुशांत के मैनेजर की जिम्मेदारी संभाली, जिनकी मौत सुशांत की मौत से करीब 1 हफ्ते पहले हुई थी। श्रुति से सुशांत की पिछले 2 सालों के प्रोजेक्ट और उसकी इनकम के बारे में जानकारी ली गई है। रिया के सीए रितेश शाह को भी ईडी दफ्तर बुलाया गया। रितेश को कल सवाल जवाब के लिए बुलाया गया था, लेकिन रितेश मुंबई की बारिश का हवाला देकर कल नहीं पहुंच सके थे। रितेश से रिया के अकाउंट की डिटेल, उसके बिजनेस और पिछले 2 सालों में हुए ट्रांजेक्शन को लेकर पूछताछ की गई। इन सभी लोगों से अलग अलग सवाल जवाब किए गए। इससे पहले ईडी सुशांत के सीए से भी पूछताछ कर चुकी है। वहीं 2 दिन पहले सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ कर चुकी है। सुशांत का परिवार लगातार रिया के परिवार और उसके करीबियों पर पैसे की धोखाधड़ी का आरोप लगा रहा है, जिसे लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। एक अकाउंट का ही पता किया तो पता चला कि 17 करोड़ उसमें आया था, 15 करोड़ निकला था। तो उस बेसिस पे, और चूंकि ऑलरेडी हम लोग को मालूम था पहले ही, 4 दिन में जब मिली सुशांत से, अपने भाई के बर्थडे पार्टी का पेमेंट उसने सुशांत के क्रेडिट कार्ड से दिया, तो हमने कहा कि इसका एंगल डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो पैसा इतना, आफ्टरऑल सुशांत ने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी, तो जब कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो इतना तो ज्यादा खर्च करना किसी भी आदमी के लिए पॉसिबल नहीं। इस बीच आज तक की टीम नवी मुंबई के उस फ्लैट पर पहुंची जहां के पते पर सुशांत की दोनों कंपनियों को रजिस्टर कराया गया था। 503 नंबर का ये फ्लैट रिया के पिता के नाम पर है, लेकिन चौंकाने वाली बात, यहां ना तो रिया के परिवार का कोई सदस्य आया और ना ही सुशांत आए। ऐसे में ये फ्लैट भी अब सवालों के घेरे में है। बहरहाल सवाल कई हैं, जिसने सुशांत की मौत की मिस्ट्री को और पेचीदा बना दिया है। दिल्ली में मुनीश पांडे, मुंबई से दिव्येश सिंह और तनुश्री के साथ आज तक ब्यूरो।
सात घंटे पूछताछ हो चुकी है, पूछताछ चल रही है। इस बीच जो ऑडिट रिपोर्ट आज दी है रिया चक्रवर्ती ने ईडी के सामने, उसका जो बड़ा बड़ा मोटा अंक है, जो कुछ जानकारी है, वो आइए आपको बड़े स्क्रीन पर जरा हम दिखाते हैं, क्योंकि इसके जरिए आप समझ पाएंगे साल दर साल ये जो चार ऑडिट रिपोर्ट्स रिया चक्रवर्ती ने ईडी के सामने दी है उसके जरिए क्या बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। तो इस बड़े स्क्रीन पर हम आपको सबसे पहले साल 2016-2017 का कुल कमाई 29,25,584 और मुनाफा है 9 लाख का, 9,44,398। पेशा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो काम करती हैं, ये उनके ऑडिट रिपोर्ट की जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब अगला देखिए 2017-18 का 45,47,000 मुनाफा है, कुल कमाई थी वो, मुनाफा है 12,55,304 का। और अब इसके बाद अगला जो साल हम आपको दिखा रहे हैं वो 18-19 का है, इसमें 58,35,480 उनकी कुल कमाई है, मुनाफा लगभग 11,30,000 का है। और उसके बाद वही जो उनका पेशा है वो भी नीचे में मेंशन्ड है। अगला आप 2019-2020 का भी उन्होंने जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दिया है उसमें 66,96,250 उनकी कुल कमाई है और जो मुनाफा है वो लगभग 14,54,000 का है। तो उन्होंने चार अलग अलग जो सालों के थे वो उन्होंने अपना ऑडिट रिपोर्ट का हिसाब दे दिया है। करीब सात घंटे से रिया से पूछताछ जारी है। इस बीच रिया और बांद्रा डीसीपी अभिषेक त्रिमुख की फोन पर बातचीत भी सुर्खियों में है। आज तक के पास जानकारी है कि सुशांत की मौत के बाद रिया और डीसीपी के बीच चार बार फोन पर बात हुई, लेकिन बेहद कम वक्त के लिए, 28 सेकेंड, 29 सेकेंड, 66 सेकेंड, 61 सेकेंड, इतने कम वक्त में क्या बात हुई? चार फोन कॉल और एक मैसेज, ये बही खाता है रिया चक्रवर्ती और बांद्रा डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे की फोन पर बातचीत का। 21 जून को रिया ने कॉल किया, बात हुई 28 सेकेंड। 22 जून को डीसीपी ने रिया को मैसेज किया, 22 जून को ही डीसीपी ने कॉल किया, बात हुई 29 सेकेंड। 1 जुलाई डीसीपी ने कॉल किया, बात हुई 66 सेकेंड। 18 जुलाई को रिया ने कॉल की, बात हुई 61 सेकेंड। ये सारी बातचीत सुशांत की मौत के बाद की। मुंबई पुलिस अपनी जांच भी शुरू कर चुकी थी, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि महज 28, 29 और 61 सेकंड में रिया और डीसीपी के बीच क्या बातचीत हुई होगी। यानी अगर बातचीत पूछताछ के सिलसिले में हुई थी तो इतने कम वक्त में क्या बात हुई होगी। और जब आप पहली बार पूरे साल में बातचीत कर रहे हैं तो क्या फोन पर आपने अपनी पहचान नहीं बताई, क्या आपने अपनी जानकारी नहीं दी? अगर पहचान ही सामने वाले की ली जाए या अपनी दी जाए तो उसमें अच्छा खासा वक्त निकल जाता है। फिर 28 सेकंड में क्या किसी सेफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ऐसी जिसमें व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होती है जिसे ट्रैक नहीं किया जा सकता है, क्या उस माध्यम पर आने के लिए सिर्फ ये कॉल किए गए थे? ये तमाम ऐसे स्पेकुलेशन है जो लगाए जा रहे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस ये सवाल उठते ही जवाब देने तुरंत सामने आ गई। रिया का बयान लेने के लिए उन्हें दो बार बुलाया गया था, एक बार बांद्रा पुलिस स्टेशन और दूसरी बार सांता क्रूज थाने। बयान होने के बाद वेरिफिकेशन के लिए भी एक बार BKC थाने में बुलाया गया था। फोन कॉल और मैसेज इसी के संदर्भ में किए गए थे। सवाल तो सुशांत की फाइल के हर पन्ने, हर पैराग्राफ पर, लेकिन मुश्किल ये है कि जांच करने वाली मुंबई पुलिस सवालों को सवाल मानने से ही इनकार कर रही है। मुंबई से लौटी बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा कि सुशांत के पैसे हड़पना चाहता था रिया का परिवार। रिया ने सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार की, सुशांत को दवा का ओवरडोज देती रही रिया। पहले तो CBI की मांग की थी तो क्यों मुकर रही है, और जब ED इंटरफेयर की है तो रिया को हम समझते हैं कि किसी भी जांच से भागने की क्या आवश्यकता है। अगर वो निर्दोष है तो जांच को फेस करे, और सच्चाई चीज जो उसको लगता है कि वो निर्दोष है तो अपना वो पेश करे सबूत। हैरान करने वाला रवैया खुद रिया का भी है। गृह मंत्री अमित शाह को ट्वीट करके CBI जांच की मांग करने वाली रिया अब सुप्रीम कोर्ट में CBI जांच का विरोध कर रही है। हम लोग जितना अच्छा कर सके, जितना कम समय में जितना ज्यादा कर सके उतनी जांच हम लोगों ने की थी, और अगले 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट को भी हलफनामा दायर करना है, तो हम लोग रिटर्न में बता रहे हैं कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया था, वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाएगी। सवालों और जवाबों के इस चक्रव्यूह के बीच इंसाफ की जंग लड़ता सुशांत का परिवार
बार बार सुशांत की यादों में गुम हो जाता है। बहन श्वेता ने सोशल मीडिया के जरिए दूसरी दुनिया में जा चुके भाई को शिव की शरण में दिखाया है। मुंबई से दिवेश सिंह और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब हम आपको दिखाते हैं सुशांत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान का वो अपार्टमेंट जहां उनकी मौत हुई थी। ये मुंबई के मलाड में मौजूद रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट है जहां अभी तक की जानकारी के मुताबिक 8 जून को सुसाइड किया गया था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप उस अपार्टमेंट की देख रहे हैं जहां पर कथित तौर पर ये दिशा की मौत हुई, जिसे सुसाइड कहा गया। और अब रुख करते हैं दक्षिण भारत, जहां केरल में कुदरत ने भारी तबाही मचाई है। मूसलाधार बारिश भूस्खलन ने केरल में 15 लोगों की जान ले ली है। मुन्नार हिल स्टेशन में राजमाला पहाड़ियों पर बनी बस्तियां तबाह हो गई। कुदरत के कहर से कई लोग अपने मकानों में जिंदा दफन हो गए। दक्षिण भारत पर कुदरत का कहर टूट पड़ा है। कमजोर पड़ते मानसून की मार भी इतनी जोरदार है कि धरती कांप उठी है। केरल के मुन्नार में बीती रात कई लोगों के आशियाने जीती जागती कब्र में तब्दील हो गए। बारिश की मार से धसकती धरती ने कई मकानों को पल भर में मलबे का ढेर बना दिया। इससे पहले कि लोग जान बचाकर भाग पाते, उनके पैरों के नीचे की जमीन ही गायब हो गई। केरल के ज्यादातर इलाकों में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी के चलते राजमाला की पहाड़ियों का इलाका कमजोर होकर लगातार धसक रहा है। भूस्खलन की वजह से मुन्नार में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे में 50 लोगों के दबे होने की आशंका है। 12 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए। उधर वायनाड में 2 मकान भूस्खलन की चपेट में आए हैं। यहां हताहतों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। केरल के सीएम पी विजयन ने राहत और बचाव कार्यों के लिए एयरफोर्स से मदद मांगी है। त्रासदी पर पीएम मोदी ने भी संवेदना जताई है और राज्य सरकार की मदद का भरोसा दिया है। केरल के बाकी इलाकों का भी बुरा हाल है। हर तरफ पानी ही पानी है। आवाजाही के लिए सड़कों का भी पता नहीं। वायनाड से गोपी कृष्णन के साथ आज तक ब्यूरो। अब उत्तर भारत की बात, जहां भारी बारिश से कमजोर हुए पहाड़ खौफ पैदा कर रहे हैं। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ गिरने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ का बड़ा हिस्सा देखते ही देखते सड़क पर आ गिरा। इस मंजर के बीच सड़क के दोनों तरफ के वाहन जहां के तहां खड़े रह गए। उधर रुद्रप्रयाग में भी केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं। रास्ता कई जगहों पर बंद हो गया है। पिछले 3 दिन से हाईवे पर आवाजाही भी पूरी तरह से बाधित है, बंद है। और अब बात विकास दुबे, जी हां, कानपुर के उसी कुख्यात गैंगस्टर की जिसके एनकाउंटर में मौत हुई, जिसके पुलिस के साथ गार्ड को लेकर रोज नए खुलासे होते हैं। इस बीच विकास के हमले में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्र की एक फोन कॉल सामने आई है, जिसमें वो विकास से पुलिस वालों की मिली भगत की शिकायत अधिकारी से कर रहे हैं। जिस पुलिस के दम पर विकास दुबे ने 2 दशक तक आतंक का खूनी खेल खेला, बाद में वही विकास दुबे उन्हीं पुलिस वालों के खून का प्यासा हो गया। विकास दुबे के पुलिस के कनेक्शन को लेकर रोज नए खुलासे होते हैं। अब इस कड़ी में आज तक को एक ऑडियो टेप मिला है, जिसमें शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा विकास और विनय तिवारी के संबंधों की शिकायत SPRA से कह रहे हैं, जिसके मुताबिक विनय तिवारी विकास के पैर छूता था। नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर, ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा, ये पैर छूता है उनके। अच्छा, हाँ, ये उसके पैर छूता है। एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे। बोले साहब, अपराधी ही के तो सूचना देगा। मैंने कहा थाना चलाओ, 1 लाख नहीं, मरवा देगा थाने में 2-4 को। ये फोन कॉल दबिश के ठीक पहले की बताई जा रही है, जिसमें देवेंद्र मिश्रा ने शक जताया है कि विनय तिवारी ने विकास दुबे को दबिश की जानकारी दे दी होगी। देख, अब वो पैर छूता तो कल कहेगा ना कि सीओ साहब लेके फोर्स आए थे, नहीं तो मैं तो कतई आने वाला नहीं था। ये है, इसलिए हमको बुलवा रहा है। वो तो फोन उसको कर ही दिया होगा कि भाग जाओ यहाँ से।
ऐसा नहीं है, वो तो फोन उसने बता दिया होगा जाओ यहाँ से, मैं आपसे सही बता रहा हूँ सब। मैं तो साफ है, जिन 8 पुलिस वालों की शहादत हुई उसमें विकास दुबे के साथ साथ खाकी के गद्दार भी शामिल है, जिनकी कहानी फोन पर हुई बातचीत बयां कर रही है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। एक एक कर तमाम परतें उस एनकाउंटर की खुल रही हैं, जो कुछ कानपुर में उस दिन घटित हुआ था। बहरहाल अन्य खबरों का रुख करते हैं। चीन की बात, जिसे लेकर हिंदुस्तान में सियासत जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश की सीमा में कोई नहीं घुसा है, लेकिन रक्षा मंत्रालय की साइट में चीन की घुसपैठ का जिक्र किया गया, जिसे बाद में हटा लिया गया। अब मामले को लेकर कांग्रेस सरकार की घेराबंदी कर रही है। सीमा पर चीन के साथ तनाव को लेकर कांग्रेस ने देश की सियासत को गर्म कर रखा है। कांग्रेस लगातार पीएम मोदी पर सीमा को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। चीन के अतिक्रमण को लेकर रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर से हटाए गए दस्तावेज के बाद कांग्रेस फिर से आक्रामक हो गई है। आज दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन को लेकर 6 सवाल पूछे हैं। सवाल नंबर 1, चीन के साथ वास्तव में आपका संबंध क्या है? सवाल नंबर 2, आप चीन के साथ रिश्ते में विनम्र क्यों हैं? सवाल नंबर 3, चीन ने हमारी स्थापना पर क्या प्रभाव डाला है? सवाल नंबर 4, आपकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में चीन की मदद क्यों ली? सवाल नंबर 5, ऐसा करने के लिए आपने भारतीय नागरिकों का महत्वपूर्ण डेटा चीन को क्यों दिया? सवाल नंबर 6, आपने पीएलए से जुड़ी चीनी कंपनियों को चुनाव अभियान में शामिल करके करोड़ों भारतीयों की डेटा सुरक्षा और गोपनीयता से समझौता क्यों किया? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया, वहीं मोदी को मजबूर पीएम बताया। जवाब में बीजेपी ने चीन को लेकर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। सोनिया जी और राहुल जी दोनों जाते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण करार साइन होता है कांग्रेस पार्टी और सीपीसी द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। देखिए, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जाके चीन के साथ एक करारनामा साइन करती है और उसमें वो कहती है कि सारे इंपॉर्टेंट बायलैटरल, रीजनल, क्षेत्रीय और इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं, इन सभी विषयों पर हमारे आदान प्रदान होंगे, हम आपस में बातचीत करेंगे, आपस में सलाह मशवरा करेंगे। वाकई दिस इज एस्टॉनिशिंग, ये सरप्राइजिंग है। बहरहाल सीमा पर तनाव जारी है, वहीं पूरे मामले में कांग्रेस लगातार हमलावर है। पॉल मिसहा और मौसमी सिंह के साथ आनंद पटेल, दिल्ली आज तक। चीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सेना को हर स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। जनरल नरवणे 2 दिनों के लिए अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे और उन्होंने हर स्थिति के लिए सेना को तैयार करने के लिए कहा है। वो पूर्वोत्तर के दौरे पर है और पूर्वोत्तर के इस दौरे पर आर्मी चीफ ने ये कहा है। अब तमाम अन्य खबरों का रुख करते हैं। जहरीली शराब कांड को लेकर पंजाब सरकार बैकफुट पर है, डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन विपक्ष ने सड़क पर मोर्चा खोल रखा है। आज कई जगहों पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके मंत्रियों का घेराव किया गया, मांग मुआवजा बढ़ाने और सीएम के इस्तीफे की है। आरोप है कि पंजाब को नशा मुक्त करने का दावा करने वाली कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही। जहरीली शराब कांड में हुई किरकिरी के बाद पंजाब सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक और कांग्रेस अध्यक्ष तक पीड़ित परिवारों को ढाढ़स बंधाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में तरन तारण पहुँचे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जहां उनका स्वागत काले झंडों के साथ हुआ। शिरोमणि अकाली दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने काले झंडों के साथ सीएम का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की गई। विपक्ष मुआवजे की रकम
5 लाख की जगह 25 लाख करने की मांग कर रहा है। नजायज शराब का धंधा रोकने लिए फंड की रेड की जाने ते परचा ते दर्ज होना चाहिए जिहड़ा कानून तोड़ते ने जिहड़ा माड़ा धंधा करते ने। जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में बीजेपी ने भी अमरिंदर सरकार की घेरेबंदी शुरू कर दी है। अमृतसर में कैबिनेट मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू के घर की ओर बढ़ रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी ने कांग्रेस के उस दावे पर सवाल उठाए हैं जिसमें पंजाब में नशा खत्म करने का दावा किया गया था। हुकुम करनी नींद सोई हुई सरकार है, नशा तस्करों को ये संरक्षण देते हैं। आगे तो पंजाब के अंदर अवैध शराब घर घर बिक रही थी, आज अवैध शराब घर घर बन रही है। पठानकोट में भी जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी युवा मोर्चा ने पठानकोट के विधायक अमित विज और हल्का बोआ से कांग्रेस MLA जोगिंदर सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने 2 लाख के मुआवजे की रकम बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। साथ ही पीड़ित परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी का ऐलान भी किया गया है। पंजाब के 3 जिलों में जहरीली शराब ने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। अब विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मांग कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे की भी हो रही है। जगदीप सिंह, अमित शर्मा और पवन सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो बीजेपी ने मोर्चा यहाँ पंजाब में खोल लिया और अब आपको लिए चलते हैं सीधे जम्मू कश्मीर के मोर्चे पर, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बन गए हैं। श्रीनगर में सलामी के बाद उन्होंने कश्मीर की जिम्मेदारी संभाली। आज जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने उपराज्यपाल के रूप में मनोज सिन्हा को शपथ दिलाई। मनोज सिन्हा की गिनती बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में होती है। गुरुवार को उन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। राज्य के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। कल ही मुर्मू को CAG बनाया गया है। और अब आपको देश तक में दिखाते हैं कोरोना का ग्राफ। जी हां, खतरनाक और डरावने तरीके से बढ़ता हुआ कोरोना का देश में ग्राफ, जिसमें अब हम आपको बताएंगे 20,27,000 कुल केसेस हो गए हैं और 41,585 है मौत का आंकड़ा। और ये जो 13 लाख का आंकड़ा है वो ठीक होने वाले लोगों का है। और अब हम आपको 24 घंटे में दिखा रहे हैं, भारत अब लगभग नंबर 1 की पोजीशन पर बढ़ गया है। रोजाना केस बढ़ने के मामले में 62,507 मामले बढ़े हैं। ठीक होने वालों का आंकड़ा है 49,769 और 886 लोगों की 24 घंटे में मौत हो गई। और अब बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको बता दें जो जानकारी आ रही है स्पोर्ट्स से वो ये कि 2021 में भारत में होगा ICC T20 वर्ल्ड कप। बड़ी खबर, कम से कम कोरोना काल में स्पोर्ट्स के जो फैन हैं उनके लिए शायद अब ये एक अच्छी खबर जिसके जरिए वो आस लगाकर 2021 का इंतजार करेंगे। ICC वर्ल्ड कप T20 का 2021 में भारत में होगा। इसी के साथ देश तक में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।